हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है दशम लव के जोड़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दशम लव के जो जोड़ के प्रश्न है उन्हें हल करने सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसका बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या, पहला प्रश्न है 5.30 प्लस 3.80। तो दोस्तों हमें क्या करना, हमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। दोनों संख्या इकाई की है दोस्तों, दशमलव की। तो दोस्तों देखिए, मेरी पहली संख्या क्या, मेरी पहली संख्या है 5.30। ये दोस्तों क्या है, मेरी पहली संख्या है, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी संख्या क्या है, मेरी 3.80। तो दोस्तों दूसरी संख्या का जो दशमलव है, ये वाला जो दशमलव है, पहली संख्या के दशमलव के नीचे लगाना है। दूसरी संख्या का दशमलव पहली वाली संख्या के दशमलव के नीचे लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी संख्या के दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी संख्या है, 3। आपको इस दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में 3 लिखना है। अब दोस्तों दूसरी वाली संख्या के दशमलव के राइट हैंड साइड में कौन सी संख्या है, 8 और 0। तो आपको इस दशमलव के राइट हैंड साइड में लिखना है 8 और 0। अब दोस्तों ये दोनों संख्या आपको क्या करनी है, जोड़नी है। तो यहां लगाना आपको प्लस का चिन्ह। अब दोस्तों इन दोनों संख्या को क्या कर दीजिए, दोस्तों जोड़ दीजिए। देखिए दोस्तों, जोड़ेंगे कहां से, राइट हैंड साइड से। 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। 3 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11। 11 का 1 का दोस्तों 1 का लगा 1 दहाई, ठीक है दोस्तों। 5 3 8, 8 और 1 9। अब दोस्तों देखिए, ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव है, तो यहां भी दशमलव लगाना आपको, ठीक है दोस्तों। यहां भी दशमलव, तो नीचे भी सेम वही उसी जगह स्थान पर आपको क्या लगाना है दोस्तों, दशमलव लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आपको दशमलव के जो जोड़ के प्रश्न है उन्हें हल करना है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, हमारे पास दूसरा प्रश्न है 4.70 प्लस 2.20। तो हमें दोस्तों क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो पहली संख्या क्या है मेरे पास, पहली संख्या है 4.70। ये दोस्तों हमारी क्या है, पहली संख्या है। अब इसमें दूसरी संख्या क्या जोड़नी है, 2.20। अब दोस्तों दूसरी संख्या का जो दशमलव है, पहली संख्या के दशमलव के नीचे लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी संख्या का जो दशमलव है उसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी संख्या है, 2। तो 2 लिखना है आपको लेफ्ट हैंड साइड में दशमलव के, ठीक है दोस्तों। अब इस दशमलव के राइट हैंड साइड में कौन सी संख्या है, 2 और 0। तो आपको इस दशमलव के राइट हैंड साइड में लिखना 2 और 0, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों संख्याओं को क्या करना दोस्तों, आपको जोड़ना है, ओके। तो दोस्तों देखिए, राइट हैंड साइड से जोड़ने प्रारंभ करते हैं, इस साइड से। तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 0। 7 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 9। देखिए दोस्तों, यहां भी पॉइंट है, यहां भी पॉइंट है, तो यहां भी पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। 4 2 6, 4 2 कितने होते हैं दोस्तों, 6। तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं को जोड़ के हमारा आंसर कितना आया, 6.90। क्या आया दोस्तों, 6.90। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको दशमलव के जो जोड़ के प्रश्न है हल करने हैं। इसी प्रकार का दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है। दोस्तों देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, हमारा तीसरा प्रश्न है 45.50 प्लस 3.40। तो हमें दोस्तों क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। तो पहली संख्या क्या है हमारी, पहली संख्या है हमारी दोस्तों 45.50। ये दोस्तों हमारी क्या है, पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 3.40। तो दोस्तों दूसरी संख्या का जो ये दशमलव है, पहली संख्या के दशमलव के कहां लगाना, नीचे लगाना है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब दोस्तों दूसरी संख्या का जो दशमलव है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी संख्या है, 3। तो आपको इस दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है 3। अब दोस्तों दूसरी संख्या का जो दशमलव है इसके राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, 4 और 0। तो आपको इस दशमलव के राइट हैंड साइड में क्या लिखना है दोस्तों, 4 और 0। और दोस्तों अब इन दोनों संख्या को क्या करना है, हमें दोस्तों जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। अब दोस्तों देखिए, 0 के नीचे 0 है, 5 के नीचे 4 है, दशमलव के नीचे दशमलव है,
के नीचे 3 है, तो 4 के नीचे भी तो कोई संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ तो कोई संख्या दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों? 0 मान लेंगे। अब तो दोस्तों यहाँ संख्या आ गई, अब दोस्तों 0 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0, 5 4 9, दशमलव दशमलव, तो यहां भी दोस्तों दशमलव, 5 3 8, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 4। तो दोस्तों मेरा आंसर कितना आया? मेरा आंसर आया 48.90। क्या आया दोस्तों? 48.90। तो इन दोनों संख्या को जोड़ के क्या आएगा मेरा? 48.90। दोस्तों देखिए इसी प्रकार का हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या हमारे पास? 25.45 प्लस 50.5। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। तो पहली संख्या क्या है मेरी? पहली संख्या है 25.45। ये दोस्तों हमारी क्या पहली संख्या, इसमें कौन सी संख्या जोड़नी है हमें? इसमें जोड़नी है 50.5। तो दोस्तों देखिए दूसरी संख्या का जो दशमलव है पहली संख्या के दशमलव के नीचे लगाना है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी संख्या का जो दशमलव है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी संख्या है? 5 और 0। कौन कौन सी संख्या दोस्तों? 5 और 0। तो आपको इस दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है 5 और 0, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरे वाली संख्या के दशमलव के राइट हैंड साइड में कौन सी संख्या है? 5। तो आपको इस वाले दशमलव के राइट हैंड साइड में लिखना है 5। इन दोनों संख्या को क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों? जोड़ना है। अब दोस्तों देखिए 2 के नीचे 5 है, 5 के नीचे 0 है, दशमलव के नीचे दशमलव है, 4 के नीचे 5 है, तो 5 के नीचे भी तो कोई संख्या होनी चाहिए, तो 5 के नीचे क्या मान लूंगा दोस्तों? मैं 0 मान लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो संख्या जोड़ना प्रारंभ करते हैं कहां से प्रारंभ करते हैं? राइट हैंड साइड से। तो यहां से जोड़ेंगे 5 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों मेरा? 5, 5 4 दोस्तों 9, दशमलव दशमलव दशमलव, 5 और 0 को जोड़ेंगे क्या आएगा दोस्तों? 5। और 5 और 2 कितने होते हैं दोस्तों? 7। कितने होते हैं दोस्तों? 7। तो दोस्तों जब मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा? 75.95। क्या आएगा दोस्तों? 75.95। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको दशमलव के जो जोड़ के प्रश्न है उन्हें हल करना है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।